हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कल मैं अपनी वीडियोस देख रहा था और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरी बहुत सारी पिछली वीडियोस में अपनी इंट्रो ही नहीं बोली हमने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, सब खैर एंड वेलकम बैक हियर अगेन। क्या हाल चाल है वीडियो? ठीक हो, फिट हो? वैसे आफ्टरनून चल रहा है। आज सुबह सुबह मुझे मेरे जिम से मैसेज आया कि आकाश, जो चीज़ तुमने ऑर्डर की थी वो पहुंच गई है। मैं बड़ा खुश हूं उस चीज़ के बारे में और ज़िंदगी में पहली बार मैं ये चीज़ ट्राई करने लगा हूं। जिम मैं बड़ी देर से कर रहा हूं, मैंने पाकिस्तान में की, कतर में की और मलेशिया में भी हल्की फुल्की मैं एक्सरसाइज करता रहता हूं डेली। अगर मैं जिम नहीं जाता तो मैं सुबह उठ के हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूं ताकि ज़रा ठीक रहूं, पेट छेड़ ना निकले। पर ये चीज़ों के बारे में हमारा पाकिस्तान में माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हम ये चीज़ सोचते हैं कि अगर तूने ये चीज़ इस्तेमाल कर ली तो तू गया, तेरे बचने के कोई चांस नहीं, जब तूने जिम छोड़नी है तूने मर जाना है। इस तरह का जेन मेरा भी बना हुआ था और मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था वीडियोस, क्या अच्छा है क्या नहीं, और फाइनली कुछ अच्छा मिला और उसके बाद मैंने ये चीज़ ऑर्डर की। वो मैं बताता हूँ, पहले मैंने वजू कर लिया, नमाज़ पढ़ लूँ, जब का आया नमाज भूल गया, इंडोनेशिया आ गए तो नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए व्यू भी कम आ रहे हैं। है नमाज़ पढ़ लूँ मैं पहले। ये मेरी वर्क स्पेस है जहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ। जिस दिन से ये बैग मैं ले आया हूँ ना, बड़ा सुकून हो गया। छोटा सा बैग कहीं भी लेके चला जाता हूँ, फिर ड्रोन की ज़रूरत नहीं वहाँ पे जिम पे। बैटरी अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में था ना, मैं नॉर्मली नमाज मिस नहीं था करता, अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करता रहता था और डीमोटिवेट नहीं था स्पेशली मैं होता, क्योंकि अल्लाह की रहमत थी। और बंदा नमाज पढ़ने से, अल्लाह का शुक्र अदा करने से मायूस नहीं होता। जब से मैं इंडोनेशिया आया हूँ ना, तो मैं मायूस होना शुरू हो गया था क्योंकि मैंने नमाज मिस करना शुरू कर दी थी और ये चीज़ मैं बड़े अच्छे तरीके से फील भी कर रहा था। तो इसलिए नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर से शुरू कर दी है, नमाज लाजमी पढ़नी है। 3 साल मुझे यूट्यूब पर हो रहे हैं और जब जब मैं नमाज छोड़ता हूँ ना, नमाज मिस करता हूँ, मैं मायूसी का शिकार हो जाता हूँ। है रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो में पूछा था क्या मुझे प्रोटीन शेक ट्राई करना चाहिए। प्रोटीन शेक को लेके या किसी भी सप्लीमेंट को लेके ना, हम पाकिस्तानियों का जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जिम का मुंह नहीं ना देखा, उनके ख्यालात भी अलग अलग से होते हैं, उनको पता ही नहीं ये चीज़ क्या है और वो फिर अपनी राय भी एक अलग तरीके से देते हैं। और मेरा खुद का माइंड सेट यार था ही ऐसा, मैं सोचता ही ऐसा था और मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि क्या जाना मैंने, क्या मुझे चीज़ें पता लगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मौसम देखें कितना प्यारा हुआ पड़ा, बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पता ही नहीं चलता बारिश हुई गई आई गई आई गई। ये मेरे ख्याल में कैफ़ी नया है जिम का ओनर, इसी ने मंगवा के दिया प्रोटीन शेक। और यस, बड़ी सोनी लड़कियाँ आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय। यहाँ पर एक जोड़ा आता है, जोड़ा मतलब दो का ही होता है ना, और उनने जिम नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, मोबाइल उनने पकड़ना है, इस टेबल पे बैठ, उस टेबल पे बैठ, पिक्चर्स लेनी है, जिम नहीं करनी। उनको पता ही नहीं कौन सी उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, आना है एक दो सेट लगाना है, पिक्चर्स बीवी को, पहले बीवी बंदे की फिर बंदा बीवी, वो सामने बंदा बैठा है। अभी अगर मैंने वो मशीन यूज़ करनी है तो मैं कह भी नहीं सकूंगा। आज डांस क्लास चल रही है लड़कियों की, वो सामने सोनी सोनी कुड़ियां नज़र आ रही हैं, मोटिवेशन मिलती है, बंदा ज़्यादा जिम करता है। हफ्ते में 6 क्लासें होती हैं, 2 दिन डांस क्लास होती है, 2 दिन योगा क्लास होती है, 1 दिन बॉक्सिंग क्लास होती है और 1 दिन भी होती है पता नहीं क्या करती हैं लड़कियाँ, बैठ के गप्पे लगाती हैं।
how to use this? There's a scoop inside this one. All right. You give a full scoop. It's about around 300 millimeters of cool water. For one scoop. आगे जिम से वापस. अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे वे प्रोटीन आइसोलेट 100% प्रोटीन फ्रॉम वे चॉकलेट फ्लेवर की. ये वो रहा और ये जो डिज़ाइन है ये नया डिज़ाइन है. पहले जो वे प्रोटीन आता था वो दूसरे डिज़ाइन में था और ये अभी तक कुछ ही कंट्रीज में मिल रहा है. इनका शुक्रिया जिसने मंगवा के दिया है. अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि वे प्रोटीन जिम के आधे घंटे बाद पी लेना चाहिए और मैं पी के फिर बताता हूँ मसला क्या था. मुझे मैंने इतना महंगा प्रोटीन लिया तो इतने पैसे जितने मैंने इस पे खर्च दिए हैं उतने में मैंने एक और नया वो ले लेना था माइक्रोफोन. खैर इसको अनबॉक्स करते हैं. हमने अनबॉक्सिंग कर ली है. प्रोटीन शेक की स्मेल जो है चॉकलेट जैसी है. ऑफ़ कोर्स चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट की स्मेल होगी. हर रोज़ जिम के बाद ये एक चम्मच लेना है और इस एक चम्मच के साथ जो पानी चाहिए वो 300 ml चाहिए और उसके बाद एक चम्मच इसके अंदर यूं डाला. ये टक्कन पकड़े टक्कनों को इधर रखा. मैं जो डेली चॉकलेट मिल्क शेक पीता हूँ ना उसकी तरह ही है. इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी बेहतर है पानी के साथ लें. अच्छा तो बात ये कि मैंने ये क्यों लिया. सबसे पहली बात हमारे पाकिस्तान में ना स्पेशली मेरा माइंडसेट ऐसा था और मेरे इर्द गिर्द के लोगों का भी जिन्होंने सारी ज़िंदगी जिम का मुँह ही ना देखा उनके ख्याल में ये है कि जो लोग दवाई वगैरह कोई खाते हैं ना वो सारा उनका जिस्म दवाइयों से बनता है और जब वो जिम छोड़ते हैं उनका सारा जिस्म लटक जाता है. तो ये मैंने जो ऑर्डर किया है प्रोटीन शेक इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटीन है. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. होता क्या है कि जब हम जिम नहीं करते हैं तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें बड़ी नरम नरम होती हैं. होता क्या है कि जब हम जिम जाते हैं तो हमारे मसल्स टूटते हैं वज़न उठाने पर. जब हम वज़न उठाते हैं तो ये सारे मसल्स टूटते हैं. जहाँ से मसल टूटता है वहाँ फिर एक नया मसल बनता है जो उस पुराने वाले से ज़्यादा मजबूत होता है. उस मसल को बनने के लिए चाहिए प्रोटीन. अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं अपनी डाइट के अंदर फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं. आपको डेली जितना प्रोटीन चाहिए अगर आप अपनी खाने में मिल रहा है ना आपको ज़रूरत नहीं. प्रोटीन किन चीज़ों में. अंडे में है गोश्त में है या इस जैसी चीज़ों में. और मैं यहाँ पर मुझे नहीं था लग रहा कि मैं इनफ प्रोटीन खा रहा हूँ फिर इसलिए मैंने ये प्रोटीन शेक लिया. अच्छा अभी आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है भाई तू तो पाउडर पी रहा है. जो मेरे जहन में था मैं जब जिम गया तो मुझे कैफीन ने बोला कि तुम जिम काफ़ी कर रहे हो तुम्हें प्रोटीन शेक पीना चाहिए. मैंने कहा यार प्रोटीन शेक ये जो जितने भी हैं ना पाउडर पाउडर इनसे वो जिस्म लटक जाता है जब बंदा जिम छोड़ता है. उसने कहा नहीं तुम जाके गूगल करना गूगल पे पढ़ना इसके बारे में. मैंने कहा कौन सा प्रोटीन. उसने बोला वे प्रोटीन. वे प्रोटीन में अभी बहुत सारे प्रोटीन हैं. आपको कौन सा चाहिए किस प्राइस रेंज में चाहिए. ये जो मुझे प्रोटीन मिला ये मुझे मिला पाकिस्तानी 15,000 रुपये का. 10,000 रुपये वाला भी है 5,000 वाला भी है और उनकी क्वालिटी उसी हिसाब से जिस हिसाब से प्राइस है. ये बेस्ट प्रोटीन है जो मैंने लिया है वे आइसोलेट. ये मैंने रिसर्च करके पूरी लिया है. इसके अलावा जब मैं वापस आया मैंने पढ़ा ये बंदा कैसे है. तो ये बंदा कैसे है गाय का दूध होता है. गाय के दूध में से वो निकाल लेते हैं क्या यार उसको कहते हैं पनीर. पनीर निकाल लेते हैं वो जो पानी बचता है उसको सुखा के फिर ये पाउडर बनाते हैं जिसके अंदर टोटली प्रोटीन है. ये वे आइसोलेट है इसके अंदर 90% प्रोटीन है. बाकी ये दूसरे तीसरे हैं शुगर ज़ीरो है. जो दूसरे प्रोटीन उसने मुझे सजेस्ट किए थे उसमें शुगर भी काफ़ी थी और इसलिए फिर जो है ना. एक और फ़ायदा इस प्रोटीन शेक का मैं जिम करके आऊँगा तो थकावट सी हो जाती थी मुझे जिम करके आगे ना थक जाता था या नेक्स्ट डे जो है ना थोड़ी थकावट फील होती थी उसकी वजह भी प्रोटीन शेक था. इससे अभी ये होगा जब बॉडी को पूरा प्रोटीन मिलेगा तो फिर जो है ना अगले दिन मैं
मजबूत हो गए, जिम करूँगा। हैर पी तो मैंने लिया, अभी देखते हैं इसका असर कितना होता है। इससे बड़ी जल्दी मसल्स बनते हैं और ज़्यादा ग्रो करते हैं मसल्स, तो ये मुझे 10, 15, 20 दिन या एक महीने बाद पता चलेगा कितने मसल्स बन रहे हैं। जो प्रोटीन लिया है मैंने वो 2 kg है, इसमें स्टार्ट ही शायद 2 kg होता है। इसको मैंने बोला था 1 kg का मंगवा दे, उसने कहा स्टार्ट ही 2 kg से होता है। तो 2 kg का प्रोटीन है ये, 2-3 महीने के लिए काफ़ी है। अगर मैं 1 scoop पीऊँ, 2 पीऊँ तो एक 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। खैर यहीं तक आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी प्रोटीन शेक ट्राई किया है तो मुझे बताएं कौन सा बेस्ट प्रोटीन शेक है, किससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या किसके साइड इफेक्ट नहीं है। इसके तो साइड इफेक्ट नहीं है जितने मैंने पढ़ा है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।